साथियों नमस्कार। दोस्तों आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं, दोस्तों मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ट्रेंड से हम लोग भटके नहीं। तो साथियों मेरी कोशिश है कि आज 2019 CSIR UGC नेट साथियों 2019 जो जून का पेपर आया है उसके साथ ही आज हम लोग पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मुख्यतः साथियों आपको देखने को मिलेगा। दे आर मेनली कमिंग फ्रॉम रियल एनालिसिस एंड साथियों लीनियर अलजेब्रा। तो साथियों बिना टाइम गवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे भी साथियों आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो समझने में तो डेफिनेटली आप लोग बताना। इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम और एनी कहीं पे भी साथियों आपको लगे कि यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है या फिर कुछ और भी त्रुटि रह गई तो डेफिनेटली आप लोग बताना साथियों। चलिए साथियों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 जून का पेपर। साथियों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का है साथियों, CSIR UGC नेट 2019 जून का पेपर है साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप आराम से समझे। क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि लेट कोई फंक्शन है रियल टू रियल, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है साथियों, बी अ कंटिन्यूअस। क्या क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूअस दिया हुआ है एंड वन टू वन दिया हुआ है, ठीक है। सो रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड वन टू वन फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ये साथियों रियल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी लर्न करा होगा तो मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत ईजी से और बहुत ईजी वे में बन जाएगा। मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ, अगर इस रिजल्ट को आप लोग याद रख पाते हैं तो साथियों विद इन अ सेकेंड बन जाएगा। साथियों कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसको जरूर याद रखें कि अगर वो कंटिन्यूअस होता है प्लस वन टू वन साथियों होता है, तो याद रखा जाए एनी रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस प्लस वन वन ऑलवेज क्या होता है साथियों, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी मोनोटोन फंक्शन होता है, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस वन वन फंक्शन इज अ मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन का मतलब क्या है साथियों, या तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और ये आपके की पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है साथियों क्योंकि इसका डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी साथियों रियल है, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, कंटिन्यूअस और वन वन। तो एवरी कंटिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन इज ऑलवेज अ मोनोटोन फंक्शन। क्या याद रखना है साथियों, कंटिन्यूअस फंक्शन और वन वन फंक्शन हमेशा मोनोटोन फंक्शन होता है। मोनोटोन का मतलब क्या है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा साथियों या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलिएगा यहाँ पे मोनोटोनिकली वर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस चीज को याद रखना है। क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, यानी ये वाला क्राइटेरिया लगा रहेगा, इसको जरूर याद रखें, ये वाला क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग पढ़ते हैं और साथ में इसको डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को हम लोगों को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखा जाए, इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि स्ट्रिक्ट प्लस वन वन फंक्शन, कंटिन्यूअस प्लस वन वन फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए ये कहाँ पे दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। कहता है एफ इज वन टू, कि फंक्शन जो होगा वो वन टू होगा, कोई ज़रूरी नहीं है साथियों कंटिन्यूअस और वन वन फंक्शन हमेशा ही वन टू हो, है ना। बहुत सारे आपको ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जहाँ पे ये वन टू नहीं होगा, और बहुत क्या बहुत सारे साथियों मिल जाएंगे क्वेश्चंस आपको। और सेकंड कहता है साथियों कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यही देखिए यहाँ पे कि फंक्शन क्या है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये सही है। और साथियों ये याद रखा जाए पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ओनली सिंगल आंसर शुड बी करेक्ट। और बोलता है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, कोई जरूरी नहीं है, है ना। ये तो वो बातें बोल रहा है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो रियल नंबर का साथियों जिस पे ये फंक्शन का वैल्यू वन दिया रहे हैं, अदरवाइज क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ना। और कंटिन्यूअस है और फंक्शन का वैल्यू सिर्फ साथियों एक पॉइंट पे वन होगा, तो पता चलेगा ये कि कांस्टेंट फंक्शन बन गया, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस इम्पोज करे जा सकते हैं, फंक्शन इज अनबाउंडेड, कोई ज़रूरी नहीं है, है ना।
तो ये साथियों ये सब ना क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। तो एक सिंपल सा आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है, एवरी कंटिन्यूअस प्लस वन वन फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट मोनोटोन, है ना, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा साथियों या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी साथियों यहाँ पे नहीं समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपसे आपको टाइम मिले तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है साथियों IVP एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए रियल एनालिसिस में। साथियों ये प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है, तो एक चीज जरूर याद रखें साथियों कि कंटिन्यूअस प्लस वन वन फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डज मीन्स वॉट, ये ऑलवेज स्ट्रिक्ट मोनोटोन होता है। क्या होता है साथियों? स्ट्रिक्ट मोनोटोन। तो इसको मैं एक वर्ड यहाँ पे अगर आप इसी चीज को अच्छा से लिख लें, कंटिन्यूअस प्लस वन वन होगा तो साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिक्ट मोनोटोन होगा। क्या होगा? मोनोटोन मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा साथियों या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अगर रिजल्ट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ साथियों, अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप बड़े गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए नाउ कम टू द सेकेंड वन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2019 जून CSIR UGC नेट। क्या दिया हुआ है ये देखिए, ये तो आपको दिख गया साथियों कि IVP का प्रॉब्लम था पहला वाला। नाउ ये जो हमारा प्रॉब्लम है साथियों, ये भी रियल एनालिसिस का प्रॉब्लम है साथियों, और ये हमको UC से दिया है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जो हमारा साथियों एक टॉपिक है, है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी, तो उससे दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को आराम से साथियों ठंडे दिमाग से लर्न करें कि व्हाट डज एक्चुअली द क्वेश्चन सेज। कहता है लेट GnX, ये हमारा क्या, nx अपॉन 1 प्लस n² x² एंड डोमेन x बिलोंग्स टू द 0 to ∞, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये आपको मेंशन करा हुआ है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या बोलता है साथियों कि व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन दिस फंक्शन बिहेव्स, मतलब फंक्शन कैसा होगा। मेनली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इज इट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, है ना, इस टाइप के। तो साथियों ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का साथियों क्वेश्चन है, और ये आपके 4 ऑप्शंस। तो हम लोग थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं कि पहले तो हम लोग साथियों पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी निकालते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी क्या होता है कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे साथियों अगर फंक्शन का वैल्यू ये डोमेन के एलिमेंट है पुट करेंगे फंक्शन में और फाइनाइट हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे प्रत्येक पॉइंट पे, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या साथियों कि ये जो हमारा है फंक्शन वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, है ना, मतलब प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो हम बोलते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंसी में हम लोग क्या देखते हैं साथियों, मेनली कि हमारे डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पोंड या आप एंटायर डोमेन में फंक्शंस क्या होना चाहिए साथियों, ये जो हमारा जो फंक्शन दिया रहेगा वो कन्वर्ज करे। चलिए इतना डेप्थ में मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, और हम लोग थोड़ा बेसिक्स की बातें करते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों। उसको सॉल्यूशन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट आपके क्लियर होता जाए साथियों। हम लोग पहले चेक करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। डोमेन क्या है, आपको दिख रहा है कि हमारा डोमेन जो है, डोमेन के जो एलिमेंट हैं, है ना, इससे आ रहे हैं, और आपके पास जो है ना सिक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है साथियों, ये है हमारा n(x) / (1+n²x²), ठीक है। और इसमें साथियों आप x का वैल्यू जो भी रखेंगे इस डोमेन के अंदर, आपने 0 रखा है ना, तो 0 रखेंगे तो साथियों क्या कर देगा, एंटायर को 0 बना देगा। आप 1 रखेंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1+n², है ना, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे साथियों तो दिस बिकम्स 0, है ना। और कमाल की बात होने वाली है साथियों कि आप 2 रख दें यहाँ पे, सो ये क्या हो जाएगा, 2n/(1+n²) और 2 × 4 में लिख देता हूँ। सो व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली द डिग्री ऑफ दिस न्यूमरेटर इज 1 वाइल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। सो द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज डोमिनेट्स टू द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बाय 1। साथियों ऐसे केस में हम लोगों ने ऑलरेडी साथियों अगर आपने IIT JEE वगैरह की तैयारी करा होगा या सिंपल BSc में इस चीज़ हमको हम लर्न कर रखे हैं कि जब भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है साथियों,
एक्सीड करता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को, है ना। तो इसके केस में हमेशा ही हमारा जो लिमिट आता है वो क्या आता है साथियों, जीरो आता है ना। क्या आता है साथियों, लिमिट हमारा जीरो आता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो साथियों, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, है ना, कोई भी फाइनाइट वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी में रखते हैं और चेक करते हैं, तो साथियों हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा साथियों, हमेशा हमेशा आपको मिलेगा जीरो। अगर आप कुछ फाइनाइट वैल्यू रख के चेक करना चाहते हैं, लाइक सी लाइन बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, सी एन अपॉन वन प्लस सी एन स्केयर या सी स्केयर एन स्केयर, और सी तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा साथियों, टेंडिंग टू जीरो। सो व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे ये साथियों यहाँ जो हमारा लिमिटिंग केस आ रहा है वो जीरो आ रहा है। चलिए साथियों थोड़ा और भी हम लोग क्लियर करते हैं। जनरली अगर आप ऐसे तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, प्रत्येक पॉइंट पे क्या कर रहा है साथियों, इस फंक्शन का वैल्यू कन्वर्ज फाइनाइट आ रहा है, दैट्स वाई ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। चलिए जरूरत क्या होता है, जी एन एक्स में हम लोग लिमिट लगा के साथियों, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक जिसका दूसरा नाम है जी एक्स बन जाता है। तो साथियों जब आप इस पर ऑपरेट करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स बाय वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर, तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए लाइंग बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी हमेशा साथियों क्या देगा, जीरो देगा। तो यहाँ से आपको मिल गया कि साथियों जो जी एक्स का वैल्यू जीरो है ना। तो इसने ये तो बता दिया कि ये साथियों क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है, वन टर्म तो क्लियर है। नाउ सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम लोग क्या लर्न करते हैं साथियों, कि जी एन एक्स माइनस जी एक्स है ना, और ये लिम सुप आप लगा दे जहाँ पे भी ऑपरेट करेगा। और साथियों ये चेक करते हैं कि अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो यूसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये आप लोगों ने जनरली लर्न करा है, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या कंडीशंस है, जी एन एक्स क्या है साथियों, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। जी एक्स आपने देखा ऑलरेडी साथियों कि हमारा जी एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो आ रखा है। तो यहाँ पर आप जीरो पुट कर दें और लिमिटिंग लगा के केस पे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। चलिए लिमिटिंग लगाने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं साथियों, जब आप लिम सूप डोमेन के उस एलिमेंट पे लगाते हैं जहाँ पे इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फंक्शन है साथियों, सीक्वेंस का जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसका सुप्रीमम कहाँ पे किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, हम लोग जनरली वही लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा आप एक एक पॉइंट्स क्लियर कर लें। ये आपको जीरो आया है और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इज इट टेंडिंग टू जीरो और नॉट, अगर करेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो हम हटा देंगे साथियों। जीरो टू इन्फिनिटी में एक ऐसा पॉइंट लें, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं साथियों वन बाय एन ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स के जगह पे साथियों वन बाय एन ले लेंगे तो ये एन टेंडिंग टू जीरो देगा। और आप कमाल की बातें देखेंगे जब इस फंक्शन में इसका वैल्यू भी साथियों आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पे भी ये अपना मैक्सिमम देगा, ये जो फंक्शन है ये अपना मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पे, वन बाय एन पे। तो इस चीज़ को जरूर याद रखें आप लोग। तो साथियों ये क्या करेंगे हम लोग, ये जरूर याद रखें, ये जो फंक्शन है अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा साथियों इसके केस में वन बाय एन पे, जब एक्स इक्वल्स टू वन बाय एन पुट करेंगे। और एक चीज़ जरूर याद रखें कि एक्स बाय वन मस्ट बिलोंग्स टू द डोमेन, तो ये डोमेन में करेगा, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो इज द मेंबर ऑफ दिस, है ना, तो करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये साथियों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो अब देखिए सिंपल सी बात रह गई, हमारे पास जी एन एक्स क्या है, एन, और एक्स के जगह पे वन बाय एन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सो वन प्लस एन स्केयर इंटू वन स्केयर माइनस जीरो, और देखें कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो साथियों वन और वन प्लस वन आया, दैट इज हाफ, ठीक है ना, क्या आया साथियों, हाफ आया, बट हाफ डज नॉट टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब है साथियों ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ। मतलब क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पास है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पास नहीं है, ठीक है। तो है ना, ये जो लास्ट वाला केस मैंने ये बताया साथियों, ये रिजल्ट है ना, अगर ये केस टेंडिंग टू जीरो होता तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता, अदरवाइज नहीं होता, बट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बिकॉज हाफ हाफ इज नॉट जीरो, ठीक है। सो साथियों ये पी सी है बट यू सी नहीं है, तो पी सी तो है, अब देखें ऑप्शन में क्या है, पी सी है साथियों, पॉइंट वाइज तो है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, है ना, कि दिस सिक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज एक्चुअली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट नॉट अ
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये बोलता है इन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जब हो ही नहीं रहा यूनिफॉर्मली, है ना। और चूंकि ये साथियों पार्ट बी का था तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि जी एन एक्स एक्स हो जाए भाई, कैसे एक्स हो जाएगा, है ना, जी एन एक्स एक्स कैसे हो जाएगा। और ये साथियों ये सब ऐसा ही फालतू तो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ पे। चलिए साथियों ये हो गया, तो दो क्वेश्चन हो गया और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को शायद ही कुछ प्रॉब्लम समझने में आया होगा। साथियों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में वो डेफिनेटली आप लोग साथियों याद रखें, यूसी में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो हमेशा ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, इसको याद रखें, बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नीड नॉट टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है, इसको जरूर याद रखें। और इसके केस में हम लोग सबसे पहले पीसी को कैसे चेक करते हैं कि साथियों हम लोग लिमिट लगाते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जो भी हमारे पास फंक्शंस दिया रहेगा, है ना, आप चेक करें कि इसका जो फंक्शन का वैल्यू है वो फाइनाइट आता है कि नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, जो भी आपका डोमेन दिया हुआ है साथियों, जो भी डोमेन दिया हुआ है डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को आप क्या करें फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें या ऑपरेट करें और चेक करें कि वेदर इट गिव्स अ फाइनाइट वैल्यू कि नहीं, ठीक है ना। फाइनाइट वैल्यू देता है तो इसका मतलब है जो ये जो हमारा सीक्वेंस साथियों दिया रहेगा, सीक्वेंस और फंक्शन जो रहेगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पहला स्टेप ये है कि आप ये याद रखें। सेकेंड में आप क्या करें, इसका साथियों जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे जी एन एक्स, है ना, और चेक करेंगे कि ओवरऑल डोमेन के अंदर इसका बिहेवियर कैसा है, है ना, तो वो जो आएगा साथियों वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगा, है ना, तो इसको आप याद कर लें, ठीक है। पीसी तो आपने चेक कर लिया, ये आपको हेल्प करेगा यूसी डिसाइड करने में। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जब निकालेंगे सुप्रीमम ऑफ ए लें, लिमिट ऑपरेट करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है ना, लिम सुप्रीमम ले साथियों, जी एन एक्स लें माइनस जी ऑफ एक्स लें और देखें ये क्या है, जी एक्स आप यहाँ से लेके आ रहे हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझना है, जी एक्स यहाँ से है, जी एन एक्स आपका ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये आपको क्रिएट करेगा, ठीक है, कि डोमेन का वो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं जहाँ पे सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, क्या है साथियों, जिस पॉइंट पे सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा उसको आप सर्च करें, उसको इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, तब जाके चेक करें कि डज इट कन्वर्जेस टू और, है ना, इज इट कन्वर्जिंग टू जीरो और नॉट, इफ इट डज देन यू सी, और साथियों ये कन्वर्ज नहीं करेगा तो ये याद रखें कि यू सी नहीं होगा, ठीक है। तो ये साथियों बेसिक बातें हैं जो जरूर याद रखें, ये ग्रेड कोर्स से ही आप लोग लर्न करते आ रहे हैं, सो मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गया और ज़्यादा टफ नहीं था, पार्ट बी का क्वेश्चन था साथियों, पार्ट सी का क्वेश्चन एक करते हैं साथियों, और मुझे उम्मीद है ये ज़्यादा आपको, और एक्चुअली इसका जो ट्रेंड है अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बोदर नहीं करेगा साथियों। रियल एनालिसिस का साथियों मैंने दो क्वेश्चन उठाया और भी मन था कि रियल एनालिसिस का करवाऊं क्वेश्चन, साथियों ये देखिए पहले लीनियर का हम लोग कुछ करते हैं साथियों, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछता है आपको ये पता लग गया है कि क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा एंड सेक्शन है साथियों हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ठीक है चलिए आराम से समझते हैं। सो क्वेश्चन थ्री ये हमारा क्या है साथियों, ये वही है 2019 जून का ही क्वेश्चन है, CSIR UGC नेट का ही क्वेश्चन है, सो पहले ही मैंने आपको बता दिया है दीज ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम द CSIR UGC नेट 2019 जून। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोलता है, कहता है कंसीडर द वेक्टर स्पेस, क्या है साथियों बोलता है कि कंसीडर द वेक्टर स्पेस पी एन, है ना, ये क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, क्या इसको लर्न करते हैं साथियों, P मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री n, और बोला है रियल पॉलिनोमियल यानी पी एन आर लिख देते तो अच्छा लगता, है ना, कि एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, सो पी एन आर ऑफ रियल पॉलिनोमियल डज मीन्स वॉट, कोफिशियंट मस्ट कम फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर इन x, x मतलब वेरिएबल x, है ना, ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। तो थोड़ा सा मैं आपको एक समझा देता हूँ कि साथियों पी एन एक्स एक्चुअली क्या है कि ए जीरो ए वन एक्स, है ना, डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, इसका डिग्री क्या होगा साथियों, डिग्री एटमोस्ट एन होगा, है ना, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एटमोस्ट एन। और साथियों यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा यही चीज़,
तो इसका मतलब है साथियों जो एआईज एंट्रीज है वो कहाँ से आएगा, रियल से, है ना। मतलब हमारे पास फील्ड होना जरूरी है कि मेंबर कहाँ का है, ठीक है। मुझे यहाँ तक लग रहा है कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है और ये हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक। सो पी एन स्टैंड फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एंड इन इनडिटर्मिनेट टर्म्स एक्स, और साथियों इसका जो एंट्रीज है वो फील्ड आर का है, डिग्री एटमोस्ट एन है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, टू एन एंड डिफाइन टी पी टू टू पी थ्री बाई टी एफ एक्स गोइंग फ्रॉम जीरो टू एक्स एफ टी डी टी प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करके एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया गया गोइंग फ्रॉम पी टू टू पी थ्री, और कैसे डिफाइन किया गया है साथियों, तो ऐसे डिफाइन किया गया है और यही हमारा मेन चीज है जिसपे पूरा एल टी वर्क करेगा, ठीक। तो पूछा साथियों इफ इट डज लाइक दिस वन देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, इस टी के कॉरेस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, ये बोलता है ये डोमेन का बेसिस है साथियों और ये कोडोमेन स्पेस का बेसिस, मतलब दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी टू एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी थ्री, साथियों ये बेसिस के कॉरेस्पॉन्ड आपको मैट्रिक्स टी बनाने के लिए बोला गया है, जिस प्रकार टी डिफाइन है इसको फुलफिल करने वाला है। क्या बोला गया, एक ब्रीफली आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं क्या है और क्या नहीं है। पहला बात इसने बोला साथियों कि पी एन क्या है ना, पी एन एक्स के बारे में बोला पहली बात कि साथियों ये पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है साथियों एन डिग्री का, है ना, डिग्री एन का, डिग्री एटमोस्ट एन, जब भी ऐसा होता है तो एटमोस्ट एन ही लिखते हैं, एन है, और एंट्रीज कहाँ से आ रहा है, रियल से। चलिए ये सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन आर इन योर ग्रेजुएशन कोर्सेज साथियों, सो ये बहुत ही इससे आप लोग डेफिनेटली फेमिलियर होंगे। चलिए कुछ समझते हैं, तो साथियों ये जरूर याद रखें कि डिग्री ऑफ पी एन एक्स एक्चुअली क्या है, दीज आर द लीनियरली दीज आर द फ्री वेरिएबल्स, सो वन टू यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, वन टू एन तक तो एन है साथियों, ये एक्स्ट्रा एक है, तो क्या हो गया डिग्री यहाँ तक वन टू एन प्लस वन, सो साथियों डिग्री इसका क्या होगा, सॉरी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज वॉट, डिग्री तो साथियों इसका यही है, है ना, डिग्री यही है, डायमेंशन बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या बना दिया है वेक्टर स्पेस, क्या साथियों पी एन एक्स क्या है हमारा वेक्टर स्पेस, तो इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या देता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, और ये क्या है एन प्लस वन, है ना, और कौन कौन सा है ए जीरो डॉट 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 अप टू एन तक, है ना, क्योंकि यहाँ से ये दीज आर द फ्री वेरिएबल्स, है ना, कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, आई थिंक देर शुड नॉट बी एनी मिसकनसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, आई थिंक यू ऑल आर नाउ फेमिलियर विद, सो मुझे उम्मीद है कि आपको पी एन एक्स समझ में आ गया होगा कि पी एन एक्स पॉलिनोमियल का कलेक्शन करता है ना, डिग्री एटमोस्ट एन का, और साथियों आपने दूसरा देखा कि इसका डायमेंशन क्या होता है, आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप देखें गौर से कि आपको लिखा हुआ है पी टू और पी थ्री, तो पहले तो यही करें क्लियर करें कि P2 का डायमेंशन क्या होगा, तो साथियों डायमेंशन ऑफ P2 यूजिंग दिस रिजल्ट क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, इसका डायमेंशन 3 है, और चीज समझें कि P3 का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P3 इज एग्जैक्टली 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है, और फिफ्थ नंबर पर आप देखें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम P2 टू P3, साथियों कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लें जो रियली में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एक चीज़ क्या याद रखना है, बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ याद रखना है साथियों, कि कोई भी मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज इस मैट्रिक्स के कोरिस्पोंड एल टी, है ना, एवरी एल टी कोरिस्पोंड्स टू द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स कोरिस्पोंड्स टू द एल टी, है ना, वी ऑलवेज जेनरेट्स a linear transformation with respect to the given matrix and every given matrix है ना is extended to a ये आप कह सकते हैं can be correspond to a LT, ये हमेशा ये relation होता है। ये मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ज़्यादा questions करा होगा graduation में, matrix होता है LT तैयार करते हैं, LT होता है उस पर matrix आप लोग, है ना, represent करते हैं या construct करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ साथियों हम लोग बहुत अच्छे से समझें, if we have a matrix of n cross m order then this implies we must have a
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी मस्ट हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम कुछ भी हो साथियों, यहाँ पे मैं स्पेस लिख देता हूँ, कुछ रियल हो या जो भी हमारा बेस फील्ड होगा साथियों, ये उल्टा ऐसा चलेगा तो m टू सम n तक जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध के याद रख लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो बिल्कुल ही आना चाहिए अगर आप क्वेश्चन को डील करते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग साथियों, एंड एज वी हैव लर्न अर्लियर साथियों, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम, देन वी मस्ट हैव, वी ऑलवेज हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रनिंग ओवर एम डायमेंशन टू एन डायमेंशन। इसको हमेशा 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 याद रखा जाए। एंड व्हाई आई एम सेइंग साथियों, मैं इसको बार बार क्यों पुटअप कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक साथियों अभी आपको देखने को मिलेगा कि टी आपका जो यहाँ पे जाने वाला है पी टू टू पी थ्री साथियों, तो इसका डायमेंशन अभी आपने देखा 2+1 3 हो जाएगा, इसका डायमेंशन साथियों 4 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स साथियों इस टी है, इसके कोरस्पॉन्ड जो हमारा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा साथियों, इसके कोरस्पॉन्ड जो हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा उसका ऑर्डर साथियों 4x3 हो जाएगा, उल्टा है ना, 4x3। अभी आपने देखा एन क्रॉस एम है तो एम टू एन जा रहा है, एम टू एन जा रहा है, यानी एम टू एन जाने वाले का मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, एन एन क्रॉस एम, तो एन क्रॉस एम है ना, यानी 4x3। ठीक है, आई थिंक यू नाउ आर ऑलरेडी फैमिलियर है ना। मैं एक चीज़ और बहुत अच्छे से लिख देता हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो साथियों, अगर एन क्रॉस एम का कोई मैट्रिक्स है, ये ये क्या करेगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करेगा गोइंग फ्रॉम एक्स एम टू एक्स एन। और इसको भी जरूर याद रखा जाए कि अगर ये ऐसा कंस्ट्रक्ट करता है तो इसको भी जरूर याद रखा जाए, इसके कॉरस्पॉन्ड कोई हमारा मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे जो भी हो साथियों, बेस पे डिपेंड करेगा। ये एन टू एम मतलब बातें सीधी सी बोली जा रही है ना। इस चीज़ को आप बशर्ते कि याद रखें कि वॉट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही बेसिक्स बातें लिखी गई है साथियों, ऐसा कुछ भी मैंने लिखा नहीं है जो आपको बोदर करे, लेकिन मेरी समझ थी कि बस आपको एक एक बात ने बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि चीज़ों को प्रॉब्लम ना हो जब हम लोग इस बड़े चीज़ों को लर्न करें। सो दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक वन, आई थिंक यू मस्ट हैव वेरी वेरी कीन इंटरेस्ट एंड साथियों वेरी गुड नॉलेज ऑफ दीज फंडामेंटल्स है ना, अनटिल अदरवाइज यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम। तो साथ में मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नाउ वी कैन ईजली डील विद दीज क्वेश्चंस। चले साथियों अब हम लोग बहुत अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो ये जो क्वेश्चन है हार्डली 1 से 2 मिनट का है, बस मैं ये मेरी कोशिश ये थी कि जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आता उनको पहले अच्छे से समझ में आ जाए साथियों, कि बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पढ़ें भी और समझ में भी नहीं आया तो फिर व्हाट इज़ द लॉजिक। देखिए साथियों क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कि इसका जो बेसिस एलिमेंट है 1x x² तक ही जाएगा है ना, तो ये साथियों इसका बेसिस एलिमेंट है। और साथियों इसका जो बेसिस एलिमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको पता है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो ये रहेगा। चलिए क्या है और कैसे डिफाइन करके दिया है, टी इज डिफाइंड टी एफ ऑफ एक्स गोइंग फ्रॉम 0 to x एफ ऑफ टी डी टी साथियों प्लस एफ डैश एक्स। ये साथियों इससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सर आपने अलग ऑपरेशन ले लिया है, x के कॉरेस्पॉन्ड टी ले लिया। सो इसका कोई वो नहीं है, सिर्फ इसको समझाने का एक तरीका था कि ठीक है ना, कि एक ऑल्टरनेट हम लोग इंटीग्रल साइन के अंदर ले लें, और कुछ नहीं है, बेसिक बातें। और जो मैंने बोला साथियों उसको बहुत अच्छे से याद रखा जाए। चलिए हमारे पास क्या क्या है, टी किस पे ऑपरेट होगा साथियों, डोमेन के एलिमेंट पे ऑपरेट होगा। तो डोमेन क्या क्या है कि पी टू का बेसिस एलिमेंट, तो पहले आप टी वन ले, फिर साथियों हम टी एक्स लेंगे है ना, फिर टी एक्स स्क्वायर लेंगे। पहले तो यही आप निकालें कि कैसे डिफाइन हो रहा है, आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से। सो टी वन इज वॉट, यही आप ऑपरेट करें 0 to x, ये फंक्शन के इसके जगह पे क्या दिया हुआ है साथियों टी। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि एफ ऑफ एक्स साथियों वन है तो यहाँ पे कुछ अदर हो जाएगा, अदर नहीं हो जाएगा, वो इसी के टर्म में लिखा हुआ है, बस इंटीग्रल साइन चेंज करने के लिए साइन बस अल्टरनेट हो इसलिए ऐसा दिया गया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे साथियों आप डी टी प्लस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा साथियों, इस पर जब ऑपरेट करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन, सो कैन आई राइट 0 to x
वन इंटू डी टी प्लस वन, और साथ में ये क्या बन जाएगा, वन का तो एक्स ही होगा गोइंग फ्रॉम जीरो टू एक्स, सॉरी टी है साथियों टी और प्लस वन, सो कैन राइट ये तो साथियों एक्स माइनस जीरो प्लस वन, सो कैन राइट वन प्लस एक्स, तो साथियों इसका क्या बन गया एक्स। शायद मैंने कहीं कुछ गलती करा क्या, ये आप देख लें यहाँ पे वन, हाँ साथियों मैंने एक चीज गलती करा है यहाँ पे, क्या गलती हुआ है और कहाँ मिस्टेक्स हो रही है साथियों, एक सेकेंड रुकिएगा आप, साथियों ठीक था, अब मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है साथियों जी देखिए टी वन जीरो टू एक्स गया और इसके जगह पे हमने वन पुट करा है, वन इंटू डी टी प्लस फिर वन का डिफरेंशिएशन करना है, सो वन का डिफरेंशिएशन साथियों क्या हो जाएगा जीरो, और इसका कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो साथियों ये मेरे से गलती हो गया, इसका तो एक्स आ गया, एक्स आ गया साथियों इसका क्या वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिखना था, तो आपको ये लिखना है एक्स, ठीक, और ये साथियों जब एक्स पुट करेंगे तो एक्स जीरो टू वन एक्स डी एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू साथियों, तो एक्स स्क्वायर बाय टू, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू साथियों, और टी एक्स स्क्वेयर जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे जीरो टू एक्स एक्स स्क्वेयर डी डी एक्स है साथियों, और ये क्या हमारा बन जाएगा ये साथियों बन गया इसका तो एक्स क्यूब बाय थ्री और साथियों इसका टू एक्स, और जिनको भी ये भी कन्फ्यूजन होगा साथियों डी टी देने का क्या मतलब है, तो कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है साथियों, ये जो टी है तो टी के कोरस्पोंड हम लोग जीरो टू एक्स तक चले जाएंगे ना, टी का वैल्यू जब जीरो होगा या एक्स होगा जब यहाँ पर आप लोग टी पुट करेंगे है ना साथियों, यहाँ पे लाइक वन पुट करेंगे तो वन का क्या जाएगा टी, तो जीरो टू एक्स तक जाएंगे तो टी इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, तो एक्स माइनस जीरो, तो तब भी एक्स ही वाला टर्म्स होगा, तो ज़्यादा घबराना नहीं है यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एज इट इज ऐसा ही वर्क करेगा। चलिए हमारे पास क्या आया, तो टी वन साथियों हमारे पास एक्स आया, और टी एक्स क्या आया साथियों हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय टू आया, और टी एक्स स्क्वेयर साथियों एक बार अच्छे से ज़रूर समझ लें यहाँ पे, ठीक है साथियों, और टी एक्स स्क्वेयर जो आया साथियों ये आप देखें आपके पास 2x प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री ये आया है। अब गौर करने वाली क्या बात है इसको जरा अच्छे से देखते हैं, और यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये आपने डिसाइड कर लिया कि t गोइंग फ्रॉम p2 टू p3 है, इसका डायमेंशन 3 से 4 तक गया है, इसका डायमेंशन 3 है साथियों, इसका डायमेंशन 4 है, तो ये बात ने तो है ना फिक्स कर दिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर साथियों 4 क्रॉस 3 बनेगा, ये जो मैंने अभी आपको समझा दिया ठीक है ना, 4 क्रॉस 3 का साथियों मैट्रिक्स बनेगा, तो ये तो आपने यहाँ से लिख ही लीजिए कि वी मस्ट हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3 विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बातें बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, ये साथियों जो इमेज सेट लिखा हुआ है इसको आप लोग ऐसे लिख दें टी वन टी एक्स और साथियों टी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे लिखना है, और साथियों ये तो हमारे पास हो गया कि डोमेन का इमेज, और एक्सियल में जो हमारे पास इमेज ये देखिए बेसिस एलिमेंट है इमेज का या कोडोमेन स्पेस का साथियों, इसको आप ऐसे पुट कर दें ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है कि हमारे पास चार क्या हो जाएगा साथियों, फोर क्या हो जाएगा हमारे पास रो स्पेस और थ्री कॉलम स्पेस है ना, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बस ये बातें आप अच्छे से याद रखें हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट है ना, इमेज को ऐसे लेते हैं साथियों और ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं इमेज का जो हमारे पास या कोडोमेन स्पेस का बेसिस है उसके टर्म में, ठीक है, एक चीज़ मैं करके आपको बताता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। टी वन जो एक्स लिखा हुआ है इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाना है साथियों, सो वन वन का तो है ही नहीं जीरो, प्लस एक्स के साथ करेंगे साथियों तो एक्स इंटू वन या वन इंटू एक्स कर सकते हैं, फिर जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे साथियों क्या है एक्स का मेंबर तो है ही नहीं साथियों, वन का तो है ना कोई मेंबर नहीं है, और यहाँ पे आपके पास बचा एक्स का कोफिशियंट वन है, तो वन लिख लें यहाँ पे जीरो और जीरो ऐसे करके लिख लें, बाद में इसको कॉलम हम बना देंगे है ना, और टी एक्स साथियों अगर आप लोग लिखेंगे तो इट बिकम्स हेयर एक्स स्क्वेयर बाई टू, सो कैन आई राइट
वन इंटू वन लिखा जाता है, x का कोफिशियंट नहीं है, तो राइट डाउन लाइक दिस वन, एंड कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इज हाफ टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सो राइट डाउन, एंड देर इज नो कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, सो राइट डाउन लाइक दिस वन, सो वन जीरो हाफ एंड जीरो, साथ ही इसको ऐसे लिख लें। और टी एक्स स्क्वायर क्या है वो देखें, आप लोग आपके पास है, वी हैव एक्चुअली टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, सो देर इज नोट अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो कैन आई राइट जीरो इंटू वन साथियों, प्लस टू इंटू एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज टू, एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट, सो कैन आई राइट जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, एंड साथियों वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। और साथियों इसको बना लें आप, यहाँ से जीरो, यहाँ से टू, यहाँ से जीरो साथियों, और यहाँ से वन बाय थ्री, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो एक्चुअली क्या है, टी वन जो आया साथियों ये हमारा है, तो इसको एक्चुअली क्या करना है, हमको फर्स्ट कॉलम बनाना है, टी एक्स जो आया साथियों इसको सेकेंड कॉलम बनाना है, और टी एक्स को इसको साथियों थर्ड कॉलम बनाना है। अब यहाँ से देख लीजिए, टी वन बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम जो बनेगा साथियों जीरो वन जीरो, यानी जीरो वन और जीरो जीरो, तो ऐसे लिख दें आप लोग। सी टू, ये जो टी एक्स मस्ट बिकम्स साथियों बिकम क्या है, सी टू, सो वन जीरो हाफ जीरो, सो लिखिए वहाँ पे वन जीरो हाफ जीरो, एंड थर्ड वन इज और साथियों टी एक्स स्क्वायर, सो कैन राइट जीरो टू जीरो वन बाई थ्री बिकम्स अ कॉलम नंबर थर्ड, सो राइट डाउन जीरो टू जीरो और वन बाई थ्री। अब आप मैच करें साथियों कि विच ऑप्शन एक्चुअली रिलेट्स टू दिस, कौन सा आपके पास ये जो ऑप्शन है साथियों ये सही है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ साथियों आप यहाँ पे मैच करें जीरो वन जीरो जीरो, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये थ्री क्रॉस फोर का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये फोर क्रॉस थ्री का है, ये भी फोर क्रॉस थ्री, तो इसमें तीनों में से एक पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ से देखें कि कौन कौन सा पॉसिबल है। और साथियों ये देखिए एक्चुअली में आपको क्या आ रहा है, तो इससे आप लोग मैच कर सकते हैं कि कौन सा सही है साथियों। तो साथियों जीरो वन जीरो जीरो इस तीनों में है, फिर सेकेंड जो एलिमेंट है वन जीरो हाफ जीरो, वन जीरो हाफ जीरो इसमें तो है, वन जीरो हाफ तक ये स्टे कर गया, तो ये नहीं हो सकता है ना, वन जीरो हाफ तो है ही नहीं, तो साथियों ये पास है और ये सब गलत, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, मेरी फुल कोशिश थी कि आपको बहुत ही अच्छे से साथियों एक एक टर्म, इसका जो टर्म है हम लोग एक्चुअली हम लोगों को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, तो ये मैंने समझाया, आपको कैसा लगा तो डेफिनेटली बताना साथियों। नाउ वी आर स्विचिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को स्विच करते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहाँ चला गया, तो ये देखें आप लोग साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, दे हैव आस्क्ड इन ऑल्सो 2019 जून CSIR UGC नेट, ठीक है साथियों, क्वेश्चन ये हमारा उसी का है, CSIR UGC नेट साथियों 2019 जून में पूछा गया, ठीक। सो व्हाट एक्चुअली डज द क्वेश्चन से साथियों, पार्ट बी का ही क्वेश्चन था, पार्ट बी का क्वेश्चन है, और साथियों क्या बोल रहा है वो देखें, लेट पी एक्स, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, ए क्या है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ साथियों, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, देन क्वेश्चन आस्क देन फॉर विच मैट्रिक्स पी ए एक्स, मतलब पॉलिनोमियल कॉरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेजन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए, और ये क्या है साथियों पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए इनवर्स, ठीक है। कहता है कि साथियों कि फॉर विच मैट्रिक्स, कहता है कि ये उस मैट्रिक्स का नाम बताएं इस चार ऑप्शन में से जो दिया हुआ है, जिसके कॉरिस्पॉन्ड इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा साथियों, क्वेश्चन को आराम से समझें कि पी ये जो हमारा है पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर विच मैट्रिक्स एंड दीज आर द फोर गिवन मैट्रिक्स, ये आपके पास साथियों चार मैट्रिक्स दिया है, वी हैव टू सर्च आउट विच मैट्रिक्स गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी एन एक्स माइनस पी एन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये वाला चीज़ आपको आराम से बेसिक तरीके से आपको साथियों यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथियों इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। और आराम से समझने की कोशिश करें, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा साथियों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साथियों जो शॉर्ट रिजल्ट्स में प्रोवाइड करता हूँ साथियों, इसको आप इजी ना समझें, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी गई है और बहुत अच्छे से दिया गया है, यही है कि साथियों मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं करा है, सो इट मे बी सम
इश्यूज रिगार्डिंग सच अ थिंग। चलिए आराम से समझते हैं। इसमें सब में आपको दिख रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये तो पहले बातें फिक्स होगी कि 2x2 का मैट्रिक्स होगा। 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा साथियों, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है वो कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर, इसके कॉरेस्पॉन्ड दो आइगन वैल्यूज मिलेगा, लेमडा 1 लेमडा 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये साथियों मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और साथियों लेमडा इंटू लेमडा 2 है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन मैट्रिक्स ए हैविंग द आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए। तो साथियों ए मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्ड जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, एंड लेमडा एंड लेमडा 2 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। साथियों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, देन वी कैन इजिली कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इज इट ओके? आई थिंक देयर शुड नॉट बी अ सिंगल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड सच अ थिंग्स। इट इज वेरी 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 बेसिक थिंग साथियों, यू मस्ट हैव द वेरी फाउंड वेरी गुड नॉलेज ऑफ द बेसिक थिंग्स। What I am saying साथियों, if a given matrix A is given and you are able to find out the eigenvalues of the given matrix, then you can easily construct the characteristic polynomial. And characteristic polynomial of 2x2 matrix is very very easy one. How we can find out the x square minus trace of A into x plus determinant of A. This is very easy one. And this trace of a given matrix is summation of all eigenvalues, and determinant of this matrix is the product of all eigenvalues. Is this okay? I think this is okay, and I don't think there should be any problem. Satyo, as I have already said earlier, that's all the properties of this characteristic polynomial beautifully explained in our previous lecture. So please, if you have the time, go to the lecture and enjoy. और साथ में ए इनवर्स का करते, तो मैंने ऑलरेडी आपको लर्न करवाया था कि इफ ए का आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा साथियों, ए लैम्डा लैम्डा 1 इनवर्स साथियों और लैम्डा 2 इनवर्स होगा। इसको जरूर याद रखा जाए। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2, देन ए इनवर्स मस्ट हैव आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इनवर्स एंड लैम्डा 2 इनवर्स। ठीक है साथियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्किंग ऑन द बेसिस और द स्ट्रक्चर और द प्रॉपर्टीज based on the eigenvalues. They can be asked in a trace form, determinant form, or any other forms like satyo. Theek hai, so this is very basic thing, you must memorize and you must keen interest to such a thing. Now come to this one. So can I write the characteristic polynomial of A inverse X should look like lambda 1 inverse lambda 2 inverse satyo, hai na, jiska कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का आइगन वैल्यू जैसा है वैसा हमने रख दिया साथियों। एंड लेट दिस इक्वेशन इज अ सेकेंड इक्वेशन, है ना। नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन डिमांड्स? सो क्वेश्चन पहले तो आपको ये बोल रहा है कि पहले तो आप ये चेक करें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, है ना। देन यू हैव टू डिसाइड कि फॉर विच मैट्रिक्स दिस शुड बी कॉन्स्टेंट और नॉट, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये देखें कि साथियों इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो साथियों ये हमारा बना है। सो यहाँ आप देखें कि आपके पास क्या क्या है। अच्छा साथियों, इसको एक दूसरा लेमडा 1 लेमडा 2 आइगन वैल्यूज है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखने का मन है, है ना। इसका जो साथियों लेमडा 1 लेमडा 2 क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनता है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यूज या आइगन वैल्यूज बोल देते हैं। सो जो आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छा लगे साथियों, सूट कर जाए उसको करें। आप बोलेंगे तो साथियों इसको मिनटों में निकाल देंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन फिर क्या फ़ायदा अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो, ठीक है ना। सो आई थिंक साथियों इसको समझना थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे मन से। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो ज़्यादा दूर तक आप लोग इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे साथियों। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें साथियों। जब इसको आप लोग कैन आई राइट लाइक दिस वन, एक स्टेप मैं साथियों यहाँ पे बढ़ाता हूँ साथियों। यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा लगे कि साथियों कि बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है साथियों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आप वैसा ही करें जैसे ये स्टेप सन निकाल लेते हैं, है ना।
और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ साथियों। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर इसको हम लोग करते तो ज़्यादा इजी से हम लोग इस चीज़ को हम लोगों को देखने को मिलता साथियों कि देखिए जब इसको हम सॉल्व करते इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करते यही हमको करने की जरूरत है तो ये खत्म हो जाता, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये साथियों आपको इजी से खत्म हो जाता और यहाँ पर आपको दिखने लग जाता कि यस सर इतना में से इतना को लेस कर देंगे और एक्स कॉमन रह जाएगा और फिर ये हमारा दिखेगा साथियों। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं रखूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे साथियों। सो यहाँ से देख लें आप लोग लेमडा वन इनवर्स, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वन बाय लेमडा वन प्लस वन बाय लेमडा टू साथियों माइनस लेमडा वन माइनस लेमडा टू, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ये आपको दिखना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस है, एक्स कॉमन है तो यहाँ पे एक्स कॉमन ये रख दें, दिस मैंने किया है, अदरवाइज कुछ मैंने नहीं किया है, ठीक है। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद, है ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो साथियों दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, और ये साथियों यहाँ पे देखें कि लेमडा वन लेमडा टू माइनस वन अपॉन लेमडा वन इंटू वन अपॉन लेमडा टू साथियों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने सब्ट्रैक्ट करा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब साथियों इसने बोला क्या बोला, अब इसको थोड़ा अच्छा से समझिए कि पीओ जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे साथियों तो इतना टाइम तो आप देंगे नहीं इस टाइप क्वेश्चन को, है ना, और मुझे उम्मीद है कि पेपर आते आते बिल्कुल फ्लो में आ जाएं आप लोग, कि बिल्कुल पेपर रुकना नहीं चाहिए, तो ऐसा बना लें अपने आप को तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। ये आ गया साथियों, ये बोला कि ये कॉन्स्टेंट है, क्या बोला कि किस मैट्रिक्स के लिए आप ये बताएं कि ये जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो डिफरेंस है दैट शुड बी अ कांस्टेंट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको डिमांड करता है कि आप बताएं कि ये कांस्टेंट कब होगा। तो साथियों देखिए आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, है ना, तो ये क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर देगा, मतलब ये कॉन्स्टेंट होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कॉन्स्टेंट होगा साथियों, और इसके पास तो वेरिएबल है ना, तो ये कॉन्स्टेंट कब बनेगा, जब ये एग्जैक्टली एक ही कंडीशन है कि ये जीरो हो जाए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट साथियों, ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसको एज इट इज रहने देना, ये साथियों क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो साथियों यहीं से ये तो ये बोलता है ये हमारा कॉन्स्टेंट कब होगा, जब ये जो चीज़ है साथियों ये जीरो हो जाए। तो यहाँ से एक लाइन आप बढ़ा लें, बहुत सारा चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगा कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा साथियों। तो यहाँ से साथियों आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लेमडा टू प्लस लेमडा वन, लेमडा टू प्लस लेमडा वन बाय लेमडा वन प्लस लेमडा टू माइनस, साथियों इक्वल्स टू जीरो करेंगे, साथियों इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ लेमडा वन प्लस लेमडा टू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट साथियों, ये इनटू है, नीचे में एलसीएम आ जाएगा साथियों, है ना, लेमडा वन लेमडा टू का एलसीएम ये हो गया साथियों, यहाँ लेमडा टू प्लस लेमडा वन आ गया, इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया मैंने साथियों, तो साइड में आ जाएगा तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू आपको दिख रहा है साथियों, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो क्या बचा आपके पास, तो ये हमारा बचा लेमडा वन लेमडा टू इक्वल्स टू वन, चूंकि साथियों टू डिग्री क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है टू क्रॉस टू है, उसका दो आइगन वैल्यू जाएगा, है ना, लेमडा वन लेमडा टू इक्वल टू वन, और ये क्या देता है डिटर्मिनेंट, ये क्या देता है साथियों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन हो जाना चाहिए। अब साथियों अगर यहाँ तक आप समझ पाते हैं तो आपको वो मैट्रिक्स सर्च करना, यू हैव टू सर्च ओनली दोज मैट्रिक्स हैविंग द डिटर्मिनेंट वन, बस ये काम रह गया। अब यहाँ से आप देखें मैट्रिक्स वन वाला कौन सा आ रहा है, तो इसका साथियों डिटर्मिनेंट करेंगे तो चार या बारह में से छः गया, इसका आप डिटर्मिनेंट देखें क्या आ रहा है, चार या बारह माइनस सिक्स, तो ट्वेल्व माइनस सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, आपको चाहिए वन तो ये पॉसिबल नहीं है, चार या बारह में से छः गया तो साथियों सिक्स, तो सिक्स ये भी आपको नहीं चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, आपको चाहिए डिटर्मिनेंट वन, थ्री थ्री चार नाइन माइनस एट, सो नाइन माइनस एट इक्वल्स टू वन, तो डिटर्मिनेंट क्या बना साथियों वन, तो मतलब ये पॉसिबल, ठीक है ना, तो आपको चाहिए डिटर्मिनेंट वन का मैट्रिक्स, ये देखिए चार या बारह में से नौ गया तो छः, चार या बारह में से नौ गया तो साथियों थ्री, थ्री तो आपको चाहिए नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन सही, सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री सही है, ठीक है। ये साथियों मैंने ये आपको फुल एक्सप्लेन इसलिए किया कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना, ऐसा ना हो कि पेपर में जाके यहीं पे फंस जाए कि सर एक आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना लेकिन इनवर्स का नहीं आता है, तो ऐसा ना हो कि साथियों आपको यहीं पे एक बार अच्छे से आप देख लें, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में, ठीक है। सो साथियों यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स आया जिसका है, जिसके पास ये स्ट्रक्चर था कि इसका क्या था साथियों, इसका देखिए
डिटर्मिनेंट क्या बनेगा साथियों, उसका डिटर 4 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू 2, सो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। तो सिर्फ यही मैट्रिक्स है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है साथियों, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 था साथियों, नाउ वी आर स्विचिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th वन। साथियों दिस इज द लास्ट वन टूडेज, आई थिंक एक और क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन बचा है तो कर लेते हैं। साथियों कैसा लगा लेक्चर को डेफिनेटली बताना, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, कि बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे सर वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, बना रहे हैं। एक्चुअली साथियों मैं घर से दूर हूँ और सारा सेटअप घर पे ही है, तो अभी मैं दिल्ली में हूँ और अपने दोस्त के पास सारा सेटअप है, तो बार बार उनका अपना इंस्टीट्यूट चलता है तो दखलंदाजी देना ठीक नहीं लगता है। मैं जल्दी साथियों यहाँ पे भी अपना सेटअप लगा लूँगा, फिर अब मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए साथियों ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट है, ये क्या बोलता है मैट्रिक्स का साथियों, कहता है कि विच इज़ नॉट डायगनलाइजेबल ओवर रियल। देखिए डायगनलाइजेबिलिटी का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है जो डायगनलाइजेबल नहीं है। ठीक है क्या साथियों, डायगनलाइजेबल ओवर आर नहीं है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं किस बेस फील्ड की बातें कर रहा है, तो रियल पे बातें कर रहा है, और ये देख लें कि डायगनलाइजेबल होता क्या है। बेसिक बातें करें तो एक मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। सबसे पहले उसका आइगन वैल्यूज हम लोग देखेंगे क्या होता है, है ना। आइगन वैल्यूज आ गया तो साथियों उसका आइगन वेक्टर निकालेंगे, है ना साथियों, आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आ गया तो यहां से एक नॉन जीरो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे पी। वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है साथियों, आइगन वैल्यूज को हम लोग कॉलम वेक्टर बना देते हैं। क्या बना देते हैं साथियों, कॉलम वेक्टर। तो ये जो हमारा बनता है, कहीं जगह पे सी लिख दिया जाता है, कहीं पे पी लिख दिया जाता है, जो आपको मन करे वो लिख लीजिए। ये पी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन गया है। एक और बोला जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स लाओ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा साथियों, जो आपने आइगन वैल्यूज निकाला है उसको बस कहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, पुट कर देंगे साथियों डायगोनल एलिमेंट पे। फिर इसको कैसे लिख पाएंगे, गिवन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज पी इनवर्स डी पी, और कई जगह पे आप ये देखेंगे लिखा हुआ पी डी पी इनवर्स, कहीं पे ये देखेंगे आप लोग लिखा हुआ पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी। ठीक है ना, ये सभी किसकी का है, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स का पहचान है, इसको जरूर याद रखें साथियों। ठीक है, ये मैंने बेसिक्स बातें बताएं जो आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखे होंगे। चूंकि क्या होता है कि साथियों सीएसआर यूजीसी नेट लेवल पे रिजल्ट यूज करके बनाए जाते हैं, बड़े क्वेश्चन को डील किया जाता है, टेक्निकली टाइप्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो इतना बेसिक्स बातें नहीं पूछता है, वो भी जानता है कि आप इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। तो चलिए साथियों क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है वहाँ पर आते हैं। मैंने डायगनलाइजेबिलिटी का प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी लर्न करवा रखा है साथियों, तो जरूर एक बार विजिट करें वहाँ पे, अच्छे से समझ लें, अदरवाइज मेरी कोशिश है कि समझाने का। क्या याद रखना है बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे, कि आइगन अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल हो जाए फॉर ऑल आइगन वैल्यूज, तो याद रखना है साथियों इफ एंड ओनली इफ जो मैट्रिक्स होगा ऑलवेज डायगनलाइजेबल होगा। कहाँ होगा साथियों डायगनलाइजेबल, किस फील्ड पे होगा, ये आप देख लें कि उस फील्ड के ऊपर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना, कि आर पे एग्जिस्ट करता है कि सी पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बातें तब आएगी जब एग्जिस्टेंस ऑलरेडी हो रखा होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज याद रखें साथियों, एक ये रिजल्ट नंबर 1 याद रख लें, या फिर इसको बोल दें कि इसका मेन प्रॉपर्टी यही है साथियों, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होता है ना तो ऑलवेज डायगनलाइजेबल होता है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा साथियों तो ऑलवेज क्या होगा, डायगनलाइजेबल होगा। अब कहाँ होगा तो ये बात करेंगे वही, कि आइगन वैल्यूज किस बेस फील्ड पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से साथियों आपको समझ में आ गया होगा। दो बातें जरूर याद रखें, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच एंड एवरी आइगन वैल्यूज मस्ट बी सिमिलर। ठीक है ना, सारे के सारे आइगन वैल्यूज की अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिमिलर होगा, तभी जाके गिवन मैट्रिक्स वुड बी डायगनलाइजेबल ओवर द गिवन फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर पूछा जाए। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑलवेज डायगनलाइजेबल, बच्चे वाली बात हो गई, है ना, कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है साथियों कि हर एक आइगन वैल्यूज का अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा। और साथियों आपको पता है कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसका 1 होता है, जिस आइगन वैल्यूज का अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होता है।
तो ये ऊपर वाली बातें हो गई, फिर बोलेगा बताइए सर पहला ही रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो साथियों तीन बेसिक रिजल्ट को डेफिनेटली याद रखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही उसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इसको भी जरूर याद रखें। चलिए नाउ वी कैन डील विद सच अ क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, पूछा गया है, बेसिक बातें ये बोला जाए। ठीक है, तो साथियों चलिए कुछ बातें तो आपको देखते ही एकदम मन में हरा हरा हो जाएगा कि साथियों ये 1-1 है, इसके बारे में बहुत अच्छा से आपने रो सम टू एक आइगन वैल्यूज तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, चूंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो दूसरा आइगन वैल्यूज 0 मिलेगा, और चूंकि इसका क्या है साथियों 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 ही आइगन वैल्यूज मिलेगा, दोनों डिस्टिंक्ट है। क्या है साथियों, दोनों डिस्टिंक्ट है, इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिमिलर है ना, बोथ आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट है ना, जो ही साथियों आइगन वैल्यूज डिफरेंट है यानी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा ही डायगनलाइजेबल होगा, सो यूज रिजल्ट नंबर 2 है ना। तो ये क्या हो गया साथियों, डायगनलाइजेबल हो गया। क्या हो गया साथियों, डायगनलाइजेबल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, इसका भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, इसका भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चा वाला था, इसको भी थोड़ा सा कर लें, 2x2 पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे साथियों। ये वाला जरा देखते हैं, 1-1 2 4 साथियों, पहले आइगन वैल्यू की ही बातें कर लेते हैं। सो लेमडा इसकी है साथियों, उसका ट्रेस देखिए 5, तो 5 लेमडा और 4 1 4 -2 और डिटर्मिनेंट 6 आ गया। तो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करा, सो कैनराइट साथियों इसको 3 2 6 है तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, λ-3 λ-2 = 0, सो वी आर गेटिंग λ = 2 और 3। और कमाल की बात हो गई, बोथ आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट एंड आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो अच्छा साथियों कभी ये तो आर पे पूछा गया है ना, बोथ आइगन वैल्यूज आर रियल, तो रियल पे तो है ही, अगर ये कॉम्प्लेक्स पे भी पूछा जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स पे भी पास होता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स पे भी जाता है, तो ये क्या है, रियल पे साथियों डायगनलाइजेबल है, मोर ओवर सी के ऊपर भी ये डायगनलाइजेबल है ना, तो आर पे भी है साथियों और सी पे बोथ पे पास है, चूंकि आर पे पूछा है तो आर पे काम करते हैं, इसकी बातें करते हैं। यहाँ साथियों फोर्थ नंबर क्या क्या है आपका, फोर्थ नंबर का साथियों आपने देखा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज और बोथ आर रियल है ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आया, इसका मतलब क्या होता है कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी डज मीन्स व्हाट, अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज हाउ मेनी कम्स अकर है ना, कितने टाइम आता था, एक टाइम आ रहा है तो इसका आइगन वैल्यूज का अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, इस ये भी एक टाइम ही अकर कर रहा है तो इसका भी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है ना। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं साथियों, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या देता है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यूज इज एग्जैक्टली द नलिटी, क्या होता है साथियों, नलिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यूज। और नलिटी कैसे निकालते हैं, तो एन माइनस है ना, कैसे निकालते हैं, नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ऐसे निकालते हैं। और साथियों ये देखिए, इसमें तो बिल्कुल बच्चा वाला बताने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 रख देंगे, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 2 करेंगे तो 2 रख के आप चेक कर लें है ना, 1 रखेंगे तो 1 रख के चेक करें, तो हर एक केस में साथियों यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, जब आप 2 का करेंगे साथियों 2 का तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा, और 3 का भी करेंगे तो 1 आएगा, इससे इसके थ्रू आप रख रख के चेक कर लें। तो यही मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होता है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आता है साथियों, कितना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा इसको बोला जाता है डायगनलाइजेबल है ना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज सिमिलर होता है, दैट्स वाई। तो ये भी साथियों और रियल है, तो साथियों ये क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, 2 और 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो डायगनलाइजेबल ओवर साथियों आर हमेशा ही होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में साथियों, और लगता है मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन होने वाला है। चलिए साथियों लास्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ये देखिए, ये वाला चीज़ जो लिखा हुआ है, और ये साथियों इसको अगर गौर से करते तो ये बॉक्स मैट्रिक्स है ना, यहाँ से आपको आइगन वैल्यू मिलेगा 2, 3 और 3 है ना, 2, 3 और 3 आएगा साथियों, 2 तो डिस्टिंक्ट है तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिमिलर आएगा, 3 के केस में देखिए, 3 में हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 3 का 2 है साथियों, क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 का 2 है। अब हमको किसका निकालने की ज़रूरत है साथियों, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 का चाहिए, तो साथियों जब भी आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 का निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे,
टू माइनस थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री बिकम्स ज़ीरो 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 ज़ीरो, और साथ में ये हमारा थ्री माइनस थ्री थ्री आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं तो रैंक निकाल रहा हूँ, रैंक ऑफ ए माइनस थ्री आई साथियों इसका। तो यहाँ से आप देख लें पहले, तो माइनस वन वन ज़ीरो 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 ज़ीरो, सो वी हैव एग्जैक्टली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो रोज। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा साथियों, रैंक इसका आ गया वन। लेकिन आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चाहिए थ्री का, तो डायमेंशन थ्री माइनस रैंक ऑफ दिस, तो साथ में टू आ गया, समझ रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल है ना। टू का भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन, थ्री का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू, और साथ में और यहाँ हमने निकाला कि थ्री का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी टू है। तो सारे के सारे आइगन वैल्यूज का, ठीक है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सिमिलर है, दैट्स व्हाई दिस इज आइगन वैल्यू डायगोनलाइजेबल ओवर आर एंड सी ऑल्सो, बोथ पे हो गया, क्योंकि रियल है तो रियल इज ऑलवेज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स। तो साथ में एक बचा जो ये कभी भी नहीं हो सकता, और आपको क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था आपको, यू हैव टू सर्च आउट विच मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, है ना, पार्ट बी का था, तो यही होना चाहिए। अब कहिएगा कैसे होगा साथियों, आप सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया, तो कैसे बताया, तो ये भी देख लो आप लोग। ये जो लिखा हुआ है साथियों 201 और 030 00, ये आप क्या देख रहे हैं, कैसा मैट्रिक्स है साथियों, कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जो आइगन वैल्यूज बनेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा, यही बनना है। चलिए अब इसका तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो वन है, तो सिमिलर ही हो गया। टू पे बात करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना साथियों, टू है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो पहले हम लोग देखेंगे कि ए माइनस टू आई का रैंक देखते हैं साथियों क्या आ रहा है। सो इसमें से टू लेस करें मैट्रिक्स में, तो जीरो जीरो वन, जीरो थ्री में से टू गया तो वन साथियों, जीरो 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 वन है, सॉरी जीरो। तो ये क्या है, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू नॉन जीरो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, तो साथियों रैंक इसका क्या बन जाएगा, टू। अब आपको चाहिए क्या, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू का, तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन माइनस रैंक ऑफ दिस, तो रैंक कितना है साथियों, टू। सो थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन। अब आप देखें यहाँ पे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू का कितना है साथियों, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू का टू है, क्योंकि टू कम्स टू टाइम्स, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों वन आया है ना, सो बोथ आर डिफरेंट है ना। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज टू, इसका मतलब है ये डायगोनलाइजेबल कभी नहीं होगा। तो इसलिए साथियों ये हमारा मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। साथियों लास्ट वन है, इसको मैं करवाता हूँ, मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन आस्क्स, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा, एंड क्वेश्चन आस्क्स व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, सो यू हैव टू सर्च आउट व्हाट शुड बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो साथियों ये हमारा क्या है, एक्चुअली वी हैव गिवन अ 5x5 मैट्रिक्स, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर व्हिच मैट्रिक्स गिव्स द रैंक 5 और नॉट। सो बेसिकली यू हैव टू सर्च आउट द दिस मैट्रिक्स इन द रो रिड्यूस्ड और एक्लन फॉर्म कंटेंस एक्जैक्टली 5 नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नॉट। क्या मैंने बोला साथियों कि एक्चुअली जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रो एक्लन फॉर्म में, देन यू हैव टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स हैव एग्जैक्टली 5 नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नॉट। इफ यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट और इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप, देन इट्स वेरी वेरी इजी वन। तो साथियों आपको क्या करना है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करें और चेक करें नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं। जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आएगा, दैट बिकम्स एग्जैक्टली द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इन टू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म फर्स्ट वन। सो कैन आई राइट, अगर हम लोग अतियों यहाँ से ऐसे करते हैं R4 बिकम्स, बस ऊपर वाले से एक एक लेस कर दीजिए, आपको दिख ही रहा है कि वन में से वन करेंगे तो जीरो, ऐसा करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। R3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय द R3-R2, R2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय R2-R1। तो साथियों ये रिलेशनशिप आप लोग होल्ड करवाएं। सो फर्स्ट कॉलम मस्ट बी एज इट इज, सेकेंड कॉलम 1-1 बिकम्स 0, सो 2-1 1 साथियों, 2-1 1 1 आ गया, सो 1-1 बिकम्स 0, सो कैन आई 2-2 बिकम्स 0, 3-2 बिकम्स 1, 3-2 बिकम्स 1, 3-2 बिकम्स 1, नाउ 1-1 बिकम्स 0, सो राइट डाउन 2-2 बिकम्स 0, 3-3 बिकम्स 0, 3-2 बिकम्स 1 साथियों, और 4-3 बिकम्स 1।
ठीक है, इज इट ओके? नाउ कम टू द अनदर वन, वन माइनस वन बिकम्स जीरो, टू माइनस टू बिकम्स जीरो, थ्री माइनस थ्री बिकम्स जीरो, फोर माइनस फोर बिकम्स जीरो, एंड लास्ट वन फाइव माइनस फोर बिकम्स वन. सो वॉट वी आर गेटिंग एक्चुअली. तो साथियों हमारे पास जो रिजल्ट आया थोड़ा मैं उसको अच्छे से बता देता हूँ. दिस इज द लास्ट वन टुडेज क्वेश्चन. सो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी हैंडी ऑन दीज थिंग्स. आपको लगेगा कि सर ने आज रियली में ही अच्छा करवाया. अगर आपको लगेगा साथियों कि सर ने रियली मेहनत करा है तो डेफिनेटली साथियों आप लोग अपना कमेंट करना, ठीक है. सो साथियों आपको क्या दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी बातें बोलने को है, आप लोग बोल सकते हैं. एक्चुअली ये कौन सा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है साथियों? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो साथियों इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होता है. अदरवाइज वी हैव एग्जैक्टली, दिस इज अ नॉन जीरो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ये भी सब है ना. सो वी हैव एग्जैक्टली फाइव, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे साथियों, फाइव आए, फाइव दैट इज नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब क्या? सारे के सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे. मोर ओवर यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज आ रहा है 1 1 1 1 1 1 फाइव टाइम्स है ना. और आपको अगर याद हो कि डिटर्मिनेंट क्या होता है साथियों? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है ना. सो वन कम्स फाइव टाइम्स साथियों, तो वन आ गया इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दैट इज नॉन जीरो साथियों. और नॉन जीरो, जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसका रैंक एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है. सो रैंक ऑफ ए इज एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट इज व्हाट द फाइव. सो दिस इज वेरी वेरी इजी वन. You can search out the number of non-zero linearly independent rows, or you can generally find out the construct the given matrix or reduce the construct given matrix into the row reduced echelon form and search out how many linearly independent, non-zero linearly independent possible. Otherwise, you can search out the number of non-zero eigenvalues. So we have exactly number of non-zero eigenvalues are 5, that is 1, 1, 1, 1 comes 5 times. So we have 5 non-zero eigenvalues, that's why the rank of this matrix must be exactly 5. So the last option, fourth one is correct. ठीक है, तो साथियों मेरी आज फुल कोशिश थी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. इसमें ज़्यादा कुछ सर्च करना नहीं था साथियों. इसको मैंने क्या करा, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करा और यहाँ पे चेक करा साथियों. रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको दिख रहा है कि दिस बिकम्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हैविंग द आइगन वैल्यूज वन कम्स फाइव टाइम्स एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट है ना, सॉरी सिमिलर है बट दे ऑल आर नॉन जीरो एंड वी हैव एग्जैक्टली फाइव नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, दैट्स वाई दिस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी फाइव. ठीक है साथियों, कैसा लगा आज का सेशन डेफिनेटली बताना, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करना. मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं और जम के मेहनत करें और अपने प्रति ईमानदार रहें साथियों. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए अपना कमेंट जारी रखें और जो भी सुझाव होगा जरूर आप लोग बताना साथियों.